गाइज, तो कैसे हैं आप सब गाइज? आज की इस वीडियो के अंदर हम ये दो मोबाइल फ़ोन लेके आए हैं। इसके अंदर हम पबजी खेलेंगे, चेक करेंगे इन दोनों में से कौन मोबाइल फ़ोन पबजी अच्छी चलाता है। एक है आईफोन एक्स, दूसरा है आईफोन 7 प्लस। तो बहुत सारे लोग 7 प्लस खरीद रहे हैं आजकल, तो मैं इसकी परफॉर्मेंस पे एक वीडियो बनाना चाहता था। अगर आप गेमिंग पसंद करते हैं आईफोन 7 प्लस में, तो आपके लिए ये आईफोन एक्स से बेटर चॉइस है या नहीं। एक तो ये सस्ता में आपको मिल जाता है, पाकिस्तान में इसकी प्राइस तकरीबन 50,000 के अराउंड आपको ये मिल जाता है। और ये दूसरे वाला है, ये 80-90 या 1 लाख तक आपको ये आईफोन एक्स मिलता है। दोनों मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हम लोग ब्राइटनेस फुल कर देते हैं और पबजी को चलाकर चेक करते हैं कि क्या आईफोन 7 प्लस आईफोन एक्स जितनी अच्छी गेमिंग कर सकता है। तो फिर हम चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों मोबाइल फ़ोन्स में हम पबजी को एक साथ ओपन करते हैं। रेडी स्टार्ट। वाओ, स्पीड जो है आईफोन 7 प्लस की आईफोन एक्स के लेवल की जा रही है। स्पीड बहुत अच्छी है। दोनों ने तो इंटरनेट के थ्रू चलना है, जिसने पहले इंटरनेट कैच कर लिया। तो अब देखते हैं कौन पहला करता है। सो आईफोन एक्स आगे जा रहा है, आईफोन एक्स ऑन हो गया। तो आईफोन 7 प्लस थोड़ा सा स्लो हो गया। रीज़न ये है कि आईफोन एक्स ने पहले इंटरनेट की स्पीड कैप्चर कर ली, इसने नहीं। तो हम एक बार सेकंड ट्राई करेंगे। रेडी स्टार्ट। तो देख सकते हैं आईफोन एक्स जो है वो पहले ऑन हुआ है, और उसके बाद आईफोन 7 पीछे जा रहा है पबजी में। तो कौन सा फोन पहले ऑन होता है? तो आईफोन 7 पहले ऑन हुआ इस बार। तो ये बात सच है कि आईफोन 7 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है 7 प्लस की, और इसके अंदर आप बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आप अगर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए लेना चाहते हैं। साइज़ में थोड़ा सा एक्स से बड़ा है, लेकिन बहुत खूबसूरत मोबाइल फ़ोन है। और चलें अब इसके अंदर हम लोग सेटिंग करते हैं पबजी की। तो ग्राफिक्स जो है हम फिल वक्त दोनों में फुल कर देते हैं। तो ग्राफिक्स गाइस दोनों में हमने फुल कर दिए हैं। ब्राइटनेस की अगर गाइस बात करें, तो ब्राइटनेस आप देख सकते हैं आईफोन एक्स की थोड़ी सी ज़्यादा है आईफोन 7 प्लस से। तो हम दोनों में से दोनों अगर गेमिंग के हिसाब से लेते हैं, तो दोनों काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे रही हैं। सो मैं एक सर्वर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी सेट है, इधर मिडल ईस्ट सेट है। सो इधर मैं सेट कर देता हूँ मिडल ईस्ट। तो दोनों में मैंने एक ही सर्वर जो है वो सेट कर लिया, और अब दोनों में मैं एक साथ गेम को प्ले करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी गेम सबसे कम एमएस के ऊपर चलती है। रेडी स्टार्ट। हो सकता है दोनों एक ही सर्वर में चले जाएं। बाय द वे, चलें गेम अब स्टार्ट हो रही है, दोनों एक ही टाइम पे हो रही है। और ये आईफोन एक्स थोड़ी सी पहले स्टार्ट हुई। सो अगर हम दोनों मोबाइल फ़ोन्स के कलर्स की बात करें, तो आईफोन एक्स के कलर्स थोड़े से ज़्यादा हैं आईफोन 7 प्लस के मुकाबले, लेकिन आईफोन 7 प्लस के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो एमएस की अगर बात की जाए, तो आप देख सकते हैं आईफोन एक्स के अंदर हमें एमएस 157 मिल रहे हैं। मेरे यहाँ पर एमएस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सो अगर आईफोन 7 प्लस की बात की जाए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 148, यानी कि एमएस तकरीबन दोनों के लेवल के हैं। एक ही इंटरनेट कनेक्शन है दोनों के अंदर, और दोनों जो है बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं। तो अगर आपको मैं एक और चीज़ मज़े की बताऊं, कि ये दोनों सर्वर जो हैं, ये दोनों प्लेयर्स जो हैं, ये एक ही सर्वर में आए हैं। मेरे एक अकाउंट का नाम
PARKTECH 2 है और एक का नाम PARKTECH 1 है और ये दोनों एक ही सर्वर में आए हैं और ये बड़ी फनी बात है। तो चलें दोनों को एक साथ जंप करवाते हैं। ओके दोनों एक साथ जंप कर रहे हैं। बाय द वे इसको वेस्ट की तरफ रखते हैं और इसको भी हम वेस्ट की तरफ, तो दोनों को आगे ले चलते हैं। सॉरी यहाँ से ओके दोनों की स्पीड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी गेम चल रही है दोनों के अंदर। कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी दोनों मोबाइल फ़ोन बहुत बेहतर चल रहे हैं पबजी में। अगर गाइस आप आईफोन 7 प्लस लेते हैं तो इसमें थोड़े से आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। बाकी डिस्प्ले साइज़ तकरीबन इन दोनों का सेम ही है। रैम की बात की जाए तो रैम भी सेम ही है। जो आईफोन एक्स है ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा एक्चुअली एक्सपेंसिव बनेगा। ग्राफिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आईफोन 7 प्लस एक्चुअली में स्पीड के लिहाज से आईफोन एक्स के जितना फास्ट है, ये मानने वाली बात है। और बाकी गाइज ये फिर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे। सो 7 प्लस बहुत ज़्यादा फेमस है तो वाकई ये स्पीड के लिहाज से आईफोन एक्स को कंपेयर करता है। और मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, कमेंट करके भी बताइएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं मेरे 1000 होने में, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे। तो ये थी फिर हमारी आज की आईफोन की वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।